الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. بزرگان محترم و برادران عزیز، عنوان کلام کے طور پہ سورہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. مجلس کا انعقاد کا سبب آپ حضرات کے اذہان میں محفوظ ہے. اس عنوان کے پیش نظر آپ سبھی تقریباً ذہنی طور پہ ایک اس تشویش کا شکار ہوں گے کہ ان مجالس کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس کا عنوان کیا ہے، اور آپ نے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا عنوان کیا ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام کے طور پہ پیش کیا آپ کے سامنے، وہ میرے موضوع سے ایک دم الگ ہے. مجھے تسلیم ہے کہ آیت مکمل میرے موضوع کی تائید نہیں کرتی، لیکن میں نے ایک مرحلے کے لیے، صرف ایک جملہ کہنے کے لیے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں میں ایک جملہ آپ کی ہدیہ سماعت کر سکوں. مجھے آیت کی تفسیر میں نہیں جانا ہے، بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا. دوسری بات یہ کہ جس عنوان سے ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، عزائے فاطمیہ کے نام سے، یہ 13 جمادی الاول سے 3 جماد الثانیہ تک مسلسل عزائے سیدہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مجالس کا اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ان کی
जद्दा का पुरसा पेश करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं, काबिले मुबारकबाद हैं वो अफराद जो इस अज़ा का इनेकाद कर रहे हैं या जो इस अज़ा में शरीक हो रहे हैं। दरअसल हक व बातिल के दरमियान हद फासिल का नाम जहरा है। शायद मेरा जुमला कुछ सकील रहा हो, मुश्किल रहा हो। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि तारीख़ इस्लाम से अगर आप हक और बातिल को पहचानना चाहें तो इतना आसान काम नहीं है कि तारीख़ इस्लाम के ज़रिए से आप हक तलाश कर लें। जब तक बीबी जहरा की मज़लूमियत सामने नहीं आएगी हक वाज़े नहीं होगा। हक को पहचानवाने का जो ज़रिया है वह हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा है। बहरहाल ये तो मुसलसल आप हजरात के सामने मेरी गुफ्तगू रहेगी। इस उनवान के तहत मैंने जिस वजह से आए करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की, जो जुमला आप तक पहुँचाना है उस आए करीमा के ज़ैल में, उस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँ, उससे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरा मौजू मखसूस किया गया है तारीख से, जो एक मुश्किल मरहला है। जाहिर सी बात है कोई भी नौजवान या कोई भी जहन जो फर्श अज़ा पे बैठा है वो अगर जाकिर से तारीख सुनेगा तो तबीयत उकता ही जाएगी। वो यही कहेगा कि आप खिताबत करने आए हैं या यहाँ लेक्चर देने आए हैं। जहन पे थोड़ा गरा तो गुजरती है तारीख, लेकिन कुछ तारीखी हकायक ऐसे होते हैं जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम होता है, इस हद तक कि कम अज कम उतनी तारीख जो हमारे लिए जरिया मारिफत बनती हो उसका जानना हमारे लिए वाजिब है। मैंने जिस आय करीमा की तिलावत की सआदत हासिल की उसमें आज की मजलिस सिर्फ तमहीद के तौर पे होगी, कल से मुसलसल में तारीख के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। वो देखता हूँ कि आपके अजहान को मैं किस अंदाज से इस तरफ मायल करता हूँ कि तारीख की तरफ तवज्जो आ सके। बहुत ज़्यादा तारीख मुझे नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 या 5 दिन की हिस्ट्री आपके सामने रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तारीख का लफ्ज़ सुनकर ही सहम जाएं कि पता नहीं कितनी तारीख सुना डालें, कितनी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सिर्फ 5-6 दिन की तारीख, जो तारीख़ इस्लाम में फैसला कुन थी। जब तक इंसान इन 5-6 दिन की तारीख से आशना ना हो वो हक कबूल नहीं कर सकता। यही 5-6 दिन हिस्ट्री के ऐसे हैं जो इंसान को झंझोर देती है और कहती है कि नहीं, अब हक को तलाश करो, हक क्या है। जिस आयत की तिलावत की है उसमें इरशाद कुदरत है, हुवल्लज़ी बअसा फिलुमीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो है, यानी अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में उन्हीं में से ऐसा रसूल मबूस किया, ऐसा रसूल भेजा कि जो आयात की तिलावत करने वाला है, नफूस की इस्लाह करने वाला है, तज़किया नफ्स करने वाला है और किताबो हिकमत की तालीम देने वाला है। जबकि ये लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। ये तर्जुमा मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। जो अजमत पैगंबर के लिए, मैं ये समझता हूं कि जहां तक मैंने
قرآن کریم میں غور کیا تو یہ پایا کہ یہی مضمون انہی لفظوں کے ساتھ بے اے نہیں قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے علاوہ تین مقام پر اور آیا ہے بے اے نہیں پورا یہی مضمون ہے انہی لفظوں کے ساتھ یہی صفات یا یہ کہیے کہ یہی امور رسالت ان مقام پر گنائے گئے دو بار سورہ بقرہ میں ایک بار سورہ آل عمران میں اور چوتھی بار سورہ جمعہ میں اسی مضمون کی تکرار ہوئی سورہ بقرہ میں سب سے پہلے مقام پہ دعائے ابراہیمی کے ذیل میں ہیں سورہ بقرہ ہی میں پھر دوسری جگہ پہ تحویل قبلہ کے فوراً بعد یہی بیان ہے کہ یہ تحویل قبلہ تمہارے لیے ایک ایسا ہی احسان ہے جیسا ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا ایسا رسول بھیج کر جو آیات کی تلاوت کرنے والا تھا تزکیہ نفس کرنے والا تھا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا تھا پورا مضمون وہی سورہ جمعہ کی آیت لیکن عزیزو جب آپ ان چاروں مقام کو اپنے سامنے رکھیں جہاں جہاں پہ اس مضمون کا تذکرہ ہوا ہے تو سورہ جمعہ باقی مقام سے منفرد نظر آتا ہے یہ آپ اپنے ذہنوں میں محسوس کر لیں کہ میں آیت کے لفظوں کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ لفظ تو ہر مقام پہ یہی استعمال ہوئے ہیں مضمون چونکہ یہی ہے میں موقع اور محل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو باقی تین موقع ہیں جو تین محل ہیں جہاں پر اسی مضمون کو قدرت نے ریپیٹ کیا ہے جب میں ان تین مقام کو دیکھتا ہوں اور پھر سورہ جمعہ کے مقام کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں پر یہ مضمون منفرد نظر آتا ہے اور یہاں سے عظمت پیغمبر سمجھ میں آتی ہے مقام پیغمبر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا عظیم رسول ہے حالانکہ مضمون یہی باقی اور جگہ پر بھی لیکن وہاں پر وہ عظمت وہ مقام وہ فضیلت وہ برتری اتنی واضح نہیں ہوتی جو سورہ جمعہ میں واضح ہوتی ہے آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے جب لفظ بھی یہی ہیں اور انہی لفظوں کے ساتھ پورا مضمون اسی انداز میں واقع ہوا ہے تو ایک منزل پہ آ کے وہ فضیلت کا ذریعہ بن جائے اور باقی تین مقام پر جبکہ انہی لفظوں کا استعمال ہے وہ اتنی عظیم فضیلت نہ قرار پائے تو عزیزو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کی اہمیت دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے آیا یہ بات جو کہی اس سے پہلے کیا کہا جا رہا تھا سورہ بقرہ میں سب سے پہلی منزل پہ جہاں پہ پیغمبر اکرم کے لیے ان صفات کو ذکر کیا اللہ نے وہ دعائے ابراہیمی کے ذیل میں ہیں وہاں جناب ابراہیم و اسماعیل دونوں نبی ہیں دونوں دعا فرما رہے ہیں کہ تو ایسا رسول بھیج کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو تزکیہ نفس کرنے والا ہو اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو پھر دوسرا مقام سورہ بقرہ ہی میں تحویل قبلہ کے بعد جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تیسرا سورہ آل عمران میں وہاں پر اللہ نے مومنین کے اوپر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا مومنین پر صاحبان ایمان پر احسان ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں ایسا رسول بھیجا ہے جو ہماری آیات کی تلاوت کرنے والا ہے تزکیہ نفس کرنے والا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے پورا مضمون وہی ہے لیکن سورہ جمعہ میں جب یہ مضمون آیا اور ہم نے سابقہ گفتگو پہ نظر ڈالی تو عجیب منظر نظر آیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دوسری آئے کریمہ میں جس کی تلاوت کی ہے اس میں پیغمبر کی فضیلت اللہ بتانا چاہ رہا ہے یا اپنی عظمت کا اقرار لینا چاہ رہا ہے تھوڑا سا توجہ کریں غور فرمائیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ پیغمبر کی تعارف کے لیے ہے کہ ہم الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہے رسول اکرم کا تعارف ہے کم از کم مجھ جیسے کم علم کو تو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ پیغمبر کا تعارف ہو آپ ملاحظہ کریں اور کلام کی نزاکت کو محسوس کریں اس سورہ جمعہ کا آغاز ہو رہا ہے توصیف الہی سے صفات خداوندی سے
इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहुलिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज अर्जिल मलकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। ये सिफात इलाहिया बयान हो रहे हैं। आगाज सूरह जुमा का सिफात इलाहिया है। सिफात इलाहिया के ज़ैल में बाद में कहा गया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। देखिए ये फसाहत कलाम है, ये कुरान करीम की बलागत है। महसूस कीजिए इसकी लताफत को कि किस शान से अपने पैगंबर की अजमत को सामने रखा है। अपने सिफात के ज़ैल में जिक्र किया युसब्बिहुलिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान में है वो सब अल्लाह की तस्बीह करती। कौन अल्लाह? जो मालिक हकीकी है वो अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो कुद्दूस है वो अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो अजीज है वो अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हकीम है वो अल्लाह। अब फिर सवाल कीजिए कौन अल्लाह, तो आवाज आती है वो अल्लाह जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। अब आप अंदाजा लगाएं कि यहां पे पैगंबर का तारुफ है या पैगंबर के जरिए से किबरियाई अपनी अजमत को पहचानवा रही है। यहां यह नहीं कहा गया कि यह मोहम्मद वो है जिसको अल्लाह ने भेजा, बल्कि जुमला यह है अल्लाह वो है कि जिसने ऐसा रसूल भेजा जो आयात की तिलावत करने वाला है, तस्किया नफ्स करने वाला है और किताबो हिकमत की तालीम देने वाला है। यह समझ में आया कि किस मकाम पर अजमत पैगंबर है, मकाम पैगंबर क्या है? अगर दुनिया मकाम पैगंबर को समझना चाहती है तो इस आयत से महसूस करे कि मोहम्मद उस जात का नाम है कि अल्लाह जब अपनी रिफात और अपनी शान को पहचानवाना चाहता है तो मखलूक के सामने मोहम्मद को पेश करता है। इसको देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। इतना अजीम रसूल कि जिसको मखलूक के सामने रख के किबरियाई अपना तारुफ कराए, अपनी रिफत अपनी शान अपनी अजमत अपने जलाल को जब पहचानवाए तो इस जात को सामने रखे, तो अजीम पैगंबर हुआ ना। इतना अजीम पैगंबर के सारे रसूलों का सरदार, जिस ज़ाते गिरामी को अल्लाह ने मखलूक के सामने रख के अपनी मारेफत का जरिया बनाया, अपनी किबरियाई को अपनी रिफत को अपनी शान को पहचानवाया, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत अजीम हस्ती है। वो उतनी अजीम हस्ती कि कायनात के जर्रे जर्रे पे उसकी ताजीम वाजिब है। मखलूक की कोई फर्द कोई सिंफ कोई शय ये नहीं कह सकती कि मेरे ऊपर रसूल अकरम की ताजीम वाजिब नहीं। जर्रे जर्रे पे पैगंबर अकरम की ताजीम वाजिब व लाजिम है और पूरी तारीख गवाह है, वाकयात सामने हैं। हर शय ने इताअत की। कंकरियों ने हाथ पे आके कलमा पढ़ के इताअत करके बताया कि वाजिब ताजीम है। दरख्तों ने सरसब्ज और शादाब होके बताया कि हाँ काबिल ताजीम है। हैवानात ने इताअत करके बताया कि हाँ काबिल ताजीम है। तो ऐसा अजीम रसूल कि जिसकी ताजीम कायनात के जर्रे जर्रे पे वाजिब हो, अगर ऐसा पैगंबर किसी की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए, एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा रसूल इतना अजीम पैगंबर अगर वो किसी की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर उस शख्सियत के बारे में शक नहीं किया जा सकता। कौन है वो अजीम शख्सियत जिसकी ताजीम के लिए पैगंबर अकरम खड़े हो जाते हैं? और मेरे घर की नहीं, सही बुखारी की रिवायत अगर मैं आपके सामने अर्ज करूं तो सिर्फ ताजीमन खड़े नहीं होते हैं। बुखारी का लफ्ज यह है कि जैसे ही अपनी बेटी को हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो फौरन अपनी जगह से उठ जाते हैं और
और बीवी की तरफ बढ़ते हैं इस्तकबाल के लिए। ये लफ्ज सही बुखारी में मौजूद है हदीस के। आगे बढ़ते हैं और बीबी के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं, हाथों का बोसा लेते हैं। यह है अजमत जहरा। हाथों का बोसा लेने के बाद खुशबू सूंघते हैं। सिर्फ बोसे पे इक्तफा नहीं फरमाते पैगंबर अकरम, बल्कि इस्तिशमाम फरमाते हैं, यानी हाथों को अपनी नाक के करीब लाके खुशबू सूंघते हैं और कहते हैं मैं वो खुशबू महसूस कर रहा हूं जो जन्नत में महसूस की थी। ये बीबी जहरा की अजमत के लिए। तो इतनी ताजीम पैगंबर अकरम ने फरमाई। कोई आग थी उस वक्त जिसने पैगंबर को यह ताजीम ना करते देखा हो? भाई ये अब यहां से मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। मेरा हालांकि तारीख का जुज जो है वह आज बहुत मुश्किल है कि मैं शुरू कर पाऊं, वह इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगा, लेकिन मैं कुछ मनाजिल तय कर लूं कि मैं तारीख के वो वाकयात आपके सामने रख सकूं तसलसल के साथ। तो ये मुसलमात में से है कि पैगंबर अकरम ताजीम फरमाते थे। अब आप से एक सवाल के बहुत अजीज होंगी ये बेटी, मोहब्बत के बिना पे होंगी ताजीम कि एक बाप को अपनी बेटी से लगाव है, मोहब्बत है, इस बिना पे ये ताजीम? शिद्दत मोहब्बत, शिद्दत उनसियत। तो अगर ये बात कह दी जाए कि सिर्फ मोहब्बत की बिना पर है, समझ से वाला तर है। मैं अपने अकीदे के एतबार से ये गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी निगाह में तो कुरान के हुक्म के मुताबिक पैगंबर अकरम हर हाल में रसूल हैं, क्योंकि आयत की मोहर लगी है वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद हर हाल में रसूल है, सोए तब भी रसूल है, घर में रहे तब भी रसूल है, मैदान में आए तब भी रसूल है, मस्जिद में हो तब भी रसूल है, काबे में हो तब भी रसूल है, हर मंजिल पे रसूल है, मनसब इलाही पर है। जो भी काम करेंगे वो वही के मुताबिक होता है, बगैर वही नहीं। इसलिए मैं रसूल की जिंदगी के दो हिस्सों में नहीं बांट सकता। हां अगर मैं मुखालिफिन के अकीदे पे नजर रखते हुए यह बात कह दूं कि अगर आप यह समझते हैं कि पैगंबर अकरम का अपनी बेटी की ताजीम करना बरबिनाए मोहब्बत है, बरबिनाए रिसालत नहीं, क्योंकि उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम की, एक जाती जिंदगी एक सरकारी जिंदगी। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हर हाल में रसूल है, हर हाल में पैगंबर है। वजाहत इसलिए कराऊं कि कोई नौजवान इन जुमलों से धोखा ना खाए। उन्होंने दो हिस्सों में जिंदगी तकसीम कर दी, एक हिस्सा वो जो जाती जिंदगी, एक वो जो सरकारी जिंदगी। यानी जिस वक्त वो मस्जिद में आए, मिंबर पे जाए, खुतबा बयान करें, नमाज पढ़ाए, अहकामात बयान करें, तिलावत करें, उस वक्त रसूल। जब घर में रहे, घर के उमूर का आम अंजाम दे रहे हैं, तो उस वक्त उनकी जाती जिंदगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जबकि हमारे यहां ऐसा नहीं। ये क्यों किया गया, दो हिस्सों में क्यों तकसीम कर दिया? क्योंकि आले रसूल से बुग्ज था। वो सिर्फ सारे फजाइल का इनकार ये कह के करना चाह रहे थे कि रसूल की अपनी जाती जिंदगी है, घरेलू जिंदगी है, ये सारा एहतराम बरबिनाए रिसालत नहीं है, रिसालत होने की बिना पे नहीं, रसूल होने की बिना पे नहीं, एक रिश्ते के नाते की वजह से है। अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए नाका बन गए, मरकब बन गए, तो ये बहैसियत से रसूल नहीं, एक नाना की हैसियत से। गौर फरमा रहे, अगर बेटी की ताजीम कर ली तो ये बहैसियत रसूल नहीं, बाप की हैसियत से। अच्छा, बाप की हैसियत से ताजीम की? नऊज़ुबिल्लाह, बहैसियत रसूल नहीं। मरकब हसनैन अलैहिमुस्सलाम के लिए अगर बने तो नाना की हैसियत से, रसूल की हैसियत से नहीं। शायद यही सबब था
कि पैगंबर अकरम इस जहनियत को देख रहे थे और वो मौके भी सामने लाए। अब देखिए मेरे यहां से कुछ जुमले याद रखिएगा जो मैं कल की मजलिस में इस्तेमाल करूंगा तो मुझे रिपीट ना करना पड़े। तो वो मरहले भी आए कि पैगंबर अकरम ने बताया कि सिर्फ मैं रिश्तों के बिना पे एहतराम नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरी वो सरकारी जिंदगी जिसको तुम सरकारी जिंदगी समझते हो वो अगर देखना हो तो अगर मिंबर की जिंदगी देखना है तो देखो, मैं मिंबर पे आने के बाद वही रसूल हूं कि अगर हुसैन के दामन को अबा बोसा देने लगे और इमामत लड़खड़ाए तो मैं मिंबर छोड़ के जमीन पे आ जाता हूं। अगर तुम्हें मेरी यही सरकारी जिंदगी देखना है तो पहचान लो हुसैन वो है कि अगर मैं हालत नमाज में हूं और मेरा नवासा पुश्त पे आ जाए तो मैं सर नहीं उठाता अपनी मर्जी से। तो बीबी जहरा की ताजीम सिर्फ बाप होने की हैसियत से नहीं अजीजो, अगर बाप होने की हैसियत से होती तो आपने तकसीम जब फरमाई तो आपने यह भी कहा कि जो जाती जिंदगी है जाती जिंदगी का हुक्म या अमल सुन्नत करार पाता है और शरीय और सरकारी जिंदगी जो होती है उसका हुक्म वाजिब होता है। मिंबर पे आके किसी बात का हुक्म देंगे अकीमुस्सलात कहेंगे तो नमाज वाजिब होगी, हम घर में कुछ करते हुए देखेंगे तो वह हमारे लिए सुन्नत होगा। यह उनके तकसीम आप अपनी फिक्र में ना समझ लीजिएगा। तो आपने जब तकसीम कर दिया ये और यह बता दिया कि उनकी जाती जिंदगी जो है वो हमारे लिए मसला है, राह जरूर है, मशाला है, राह है, नमूने अमल है हमारे लिए, लेकिन वो सुन्नत की हैसियत रखती है। अब मुझे नहीं मालूम आप सुन्नत पे कितना पाबंद है, लेकिन मुसलमानों में बहुत से फिरके ऐसे हैं आपसे सुन्नत छूट जाएगी उनसे सुन्नत नहीं छूटेगी। गौर फरमा रहे, मुझे नहीं मालूम कि ये एक चीज में और मजलिस के बाद मैं जो इस मस्जिद के मुंतजिम या इस माइक के जो मुंतजिम हैं उनसे भी मिलना चाहूँगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करके मुझसे मिल लें। कुछ चीज़ें मैं सवाल करना चाहूँगा, अगर वो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ मौजूद हैं तो इस वक्त भी मुझसे बात कर सकते हैं ताकि मैं उसी एतबार से गुफ्तगू करूँ। तो बहुत से तबके इस्लाम में ऐसे हैं कि जो सुन्नत पे आपसे शिद्दत से ज़्यादा अमल करते हैं, इतनी शिद्दत से अमल करते हैं कि आज इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां दांतों की सफाई के लिए पता नहीं क्या क्या कर कितने पेस्ट आ गए हैं वो आज भी सुन्नत समझ के मिसवाक कर रहे हैं। ये है ना आपके सामने की बात। तो इतनी शिद्दत से अमल करने वाले सुन्नत पे, सुन्नत को तर्क नहीं करते, और कुछ तो इतने सुन्नत से ऐसे मानूस हो गए अपना नाम ही रख लिया, एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो है ना। तो अगर घरेलू जिंदगी जाती जिंदगी सुन्नत है तो मैं मान लूंगा कि पैगंबर अकरम ने बाप होने की हैसियत से अपनी बेटी की ताजीम की थी, रसूल होने की हैसियत से नहीं। लेकिन तुम ही ने कहा है कि इनकी जाती जिंदगी का अमल हमारे लिए सुन्नत है। मुझे सुन्नत पे अमल करने वाला तबका अपने बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े सहाबी के यहां इस सुन्नत पे अमल करते हुए दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि पैगंबर अकरम ने बाप होने की हैसियत से ताजीम की थी। लेकिन अगर कोई सुन्नत पे अमल करता नजर ना आया तो फिर मान लेना कि बाप होने की हैसियत से नहीं, रसूल होने की हैसियत से ताजीम फरमा रहे थे पैगंबर अकरम। मुझे नहीं मिला किसी भी तारीख में किसी आलिम ने अपनी बेटी की ताजीम सुन्नत समझ के कभी की हो कि बेटी को आते हुए देखा हो तो ताजीम के लिए उठ गए हो, बड़े हो आगे हाथों का बोसा लिया हो, इस्तेशमाम फरमाया हो, मुझे नहीं मिला तारीख। तो उनका इस पे अमल ना करना बता रहा है कि ये सुन्नत नहीं, यानी ये ज़ाती जिंदगी का अमल नहीं है। रसूल ने जो ताजीम फरमाई वो बहैसियत रसूल फरमाई, एक मरहला। अब मैं दूसरे मरहले पर आ रहा हूं। मासूम कितने हैं मुझे देखिए तमहीद तय करना है कल के लिए, अगर जहनों का हमवार पाऊंगा तो मैं अपने मौजू का आगाज करूंगा, अगर जहन कबूल ही नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ने से फायदा क्या। मैं चाहिए रहा हूं कि ये चीजें आपके जहनों में महफूज रहें। अगर आप बीबी जहरा के अजादार हैं तो उनकी मजलूमियत आपके जहन में होना चाहिए,
आपको पहचानना चाहिए कि बीबी जहरा का कातिल कौन है, पैगंबर अकरम का कातिल कौन है। ये जो वफात वफात की रट लगाई गई है ना, ये शहादत छुपाने के लिए है कि रसूल को कोई शहीद ना कहते। इसलिए कम से कम उतनी मारफत जो आपके लिए लाजिम है वो तो आपको मालूम होना चाहिए। मासूम कितने हैं? 14। अब मैं कोई शरी मसला नहीं बयान कर रहा हूं कि इसको आदमी लेके एक प्रोपेगंडा बनाए, और मैं कल से ये चाहूंगा कि ये रिकॉर्डिंग भी ना हो। तारीख हकायक कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मैं आप ही से कह सकता हूं। ये चीजें किसी इंतशार का सबब ना बने। 14 मासूम है ना। अब मैं यहां से शरी मसला सबके लिए नहीं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना जाती अकीदा बयान कर रहा हूं और इसका मैं मुतहम्मिल हूं, मैं अपने लिए अपने जाती तौर पे इसका पाबंद हूं। आपके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसके पाबंद हूं, ये मेरा कोई हुक्म नहीं। मैं एक कानून और एक उसूल बता रहा हूं। इल्मुल मानी वल बयान का एक कायदा है अदब का कि जब किसी मोहतरम शख्सियत मोहतरम जात का बयान करना मकसूद हो तो वहां पर इस्म को जिक्र ना करके, यानी नाम को ना लेके लकब से पुकारा जाता है। अगर कोई मोहतरम शख्सियत है मोहतरम जात है, अब हमारे हिंदुस्तान में तो चूंकि ऐसा नहीं होता है, यहां नाम से ही पुकारते हैं सब, लेकिन ये अरब का कानून है अरबी जबान का कि अगर मोहतरम शख्सियत को पुकारना है मोहतरम जात को पुकारना है, वो बहुत अजीमुल मर्तबत है, रुतबे में आपसे आली है, फिर तरीका ये है कि नाम से ना पुकारिए। फिर आपकी लायकी और वफादारी इसमें है कि आप लकब से पुकारें, ये तकाजा एहतराम है। मसलन अगर गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई तस्करा आ जाए तो अब ये ना कहिए कि अरब के दस्तूर के मुताबिक कि अली ने कहा, अबुल हसन ने फरमाया, क्योंकि अबुल हसन मौला की कुनियत है। और अरब में इसको बहुत गलत जाना जाता था अगर बराह रास्त कोई नाम लेके कह दे, इसलिए कुनियत से पुकारते थे। ये एक कायदा है तरीका है एहतराम का। इस एहतराम में इस्म को यानी नाम को छोड़ के लकब से पुकार सकते तो माना जाएगा ये एहतराम करने वाला है। मैं अपने बारे में बता रहा हूं ये बात। मासूम मैंने कितने पूछे? 14 मासूम है। मैंने 14 मासूमीन के अस्माए मुबारक यानी नाम अपनी जबान पे जारी नहीं करता। 13 मासूमीन के नाम तो मैं अपनी जबान पे ले लेता हूं। इतनी गुफ्तगू हुई, बीबी के हवाले से गुफ्तगू रही, कहीं आपने गुफ्तगू में मेरी जबान से नाम सुना? लकब सुना। इतनी देर से मैं बार बार तस्करा उसी जाते गरामी का कर रहा हूं, लेकिन हर जगह पे लकब इस्तेमाल किया है ना, इसमें मुबारक जबान पे जारी नहीं किया ना। मैं 13 मासूम के नाम तो जबान से ले लेता हूं लेकिन अपने अंदर सकत नहीं पाता कि 14वीं इस्मत का इसमें मुबारक अपनी जबान पे जारी कर सकूं, बावजूद होने के बाद भी। इतनी अजीम खातून है ये, मैं ये अजमत के लिए आपने आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हां, कहां पे नाम लेना जरूरी हो जाता है? अगर कहीं मतन हदीस में आ जाए, मतन हदीस समझ में आ गया सबकी नौजवानों की, यानी किसी ऐसे कलाम में जो मासूम की जबान से जारी हुआ हो, वहां पे इजाजत नहीं है फिर कि अब इसम को हम आज करके लकब इस्तेमाल करें।
वहां पे इसमें ही लेना पड़ेगा, वहां पे नाम ही लेना पड़ेगा। सिर्फ उन जगहों पे मजबूरी में मैं नाम लेता हूं चूंकि वाजिब है वहां पर वही लफ्ज बोलना जो मासूम की जबान से जारी हुआ है, जो मतन हदीस में आता है। मतन हदीस के अलावा मेरी जितनी गुफ्तगू होगी कहीं मेरी जबान से नाम ना सुनिएगा। यह एहतराम मखसूस है इस मुखद्दरा इस्मत के लिए। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो आपने अजीब बात कह दी हमारे सामने, हम कैसे कबूल कर लें इस बात को कि मासूम अगर 14 है तो 14 में से जब आप 13 का नाम ले रहे हैं तो एक मासूम का नाम अपनी जबान पे लेते हुए क्यों घबरा रहे हैं, या उन्हीं को अकेले को एहतराम के बिना पे क्यों मुस्तस्ना फरमा रहे हैं? आप में 13 का नाम लेने की जरूरत कैसे हो गई? किसी एक को इम्तियाजी शान क्यों दे दी आपने? यह सवाल करना आपका हक बनता है कि एक ही जात के लिए इम्तियाजी शान क्यों, क्यों एक जात को आपने मुस्तस्ना किया? अगर अल्लाह ने मुस्तस्ना ना किया होता तो मैं भी मुस्तस्ना ना करता। 14 की 14 जबात में यह एहतियात अल्लाह ने रखी है कि जब भी इन 14 की बारी आई तो शहजादी के नूर को सबसे अलग रखा। अगर उसने इम्तियाजी शान दी है तो उसी की तासी में, उसी की इताअत में, उसी की पैरवी में मैंने भी ये तरीका इख्तियार किया। अब आप मकान तलाश करेंगे, मुझे दिखाइए कहां है कि जहां पे अल्लाह ने इस नूर को इम्तियाजी शान दी हो। तो आइए मैं बताऊं, सिद्दीका ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, उस अजीम जात का नाम है। देखिए मैं बितदरीज आऊंगा, अगर मैं फौरी तौर पे कोई हदीस सुना दूं या कोई हदीस कुदसी का फिक्रा आपके सामने रख दूं तो मुमकिन है जहन शकूक में मुबतला हो जाए। मैं एक मंजिल तक आपके अजान को लेके आना चाह रहा हूं और वहां तक मैं बितदरीज लेके आऊंगा। 14 मासूम को जितनी अजमतें, जितनी फजीलतें मिली, बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा हर फजीलत की शरीक हैं। कोई फजीलत ऐसी नहीं जो किसी नबी या इमाम को मिली हो और बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा को ना मिली हो। हर फजीलत की शरीक। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात वाजे हो रही है? मेरा कलाम वाजे है? कोई फजीलत ऐसी नहीं जो किसी नबी या किसी इमाम को मिली हो और बीबी उसमें शरीक ना हो। हर फजीलत की शरीक हैं, लेकिन एक फजीलत ऐसी है जिसकी वारिस अकेली बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। वो फजीलत किसी मासूम को नहीं मिली, ना किसी नबी को मिली, ना किसी इमाम को मिली। आ गई ना माथों पे शिकन, चेहरे पे शिकन आ गई ना, सवालिया निशान उभर गए। एक फजीलत ऐसी है जो इस खातून को मिली है, तो ये तो मेरे पास दिन सिर्फ 5 है, 4 हैं, वरना अजमत के बारे में बताता कि किस अजमत पे खातून है। खामा खा पैगंबर अकरम उठ के ताजीम नहीं फरमा रहे हैं, मनसब रिसालत की जिम्मेदारी है, अपने मनसब को निभा रहे हैं। वो कौन सी फजीलत है जो किसी नबी और किसी इमाम को नहीं मिली, सिर्फ उसकी वारिस अकेली बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा। हर मासूम का नूर, चाहे नबी हो चाहे इमाम हो, वो सुलबों की मंजिलें तय करके इस दुनिया में आया। बात पहुंच रही है सब जहन तक? सुलब पहुंच गए? समझ में लफ्ज़े सुलब आया? जब जनाब आदम की तखलीक हुई तो 13 नूर को सुलब आदम में रखा। यहां से इन अनवार मुकद्दस का सफर शुरू हुआ। पाक सुलबों से गुजरे, अंबिया के सुलबों से गुजरे, मुताहरात अरहाम से गुजरे, पाक रहमों से गुजरे,
यह बात मुझे तस्लीम, लेकिन सुलभों की मंजिलें तय की। पैगंबर अकरम का नूर भी सुल्ब दर सुल्ब मुंतकिल होता हुआ आया, जनाब इब्राहिम के सुल्ब तक आया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया, जनाब अब्दुल्ला तक आया, उसके बाद रुए जमीन पर आया। सुल्बों की मंजिलें तय की हर नूर ने। सिर्फ एक अकेला बीबी जहरा का नूर ऐसा है कि जब इस नूर को दुनिया में भेजने की बारी आई तो उस किबरिया को गवारा ना हुआ कि जो मेरी गैबत की मजहर हो उसको सुल्बों से गुजार दू। उस नूर को मुस्तस्ना रखा और आवाज दी अपने हबीब को, वला सौफा युति का फतरजा, मेरे हबीब हम तुम्हें अनकरीब ऐसी शय अता करेंगे कि जिससे तू राजी हो जाए। ये है अजमत पैगंबर अकरम। यहां दुनिया अपने लिए अल्लाह को राजी कर रही है। मोहम्मद उसको कहते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को राजी कर रहा है। हम तुम्हें ऐसी चीज अता करेंगे कि तुम अनकरीब हमसे राजी हो जाएगा। जब कुछ करीब की मसाफत गुजरी तो आवाज दिए, माबूद तूने वादा किया था कि तुझे ऐसी चीज अता करेंगे कि मैं राजी हो जाऊं, वो तो अता नहीं की। कुदरत की आवाज आई, मेरे हबीब जब शरीयत भेजने हुई तो हमने तुम्हारे अजमत का ख्याल रखा, तुम्हें जुम्बिश करने के लिए हुक्म नहीं दिया हमने, तुम जहां पे हुए वही हमने शरीयत भेज दी। तुम अगर बिस्तर पे हुए, हमें कोई हुक्म भेजना था तो हमने तुमसे ये नहीं कहा बिस्तर से उठ जाओ, हमने वही वही भेज दी। तुम घर में हुए तो हमने नहीं कहा कि मस्जिद तक आ जाओ, हमने वही वही भेज दी। तुम अगर मैदान में हुए तो हमने नहीं कहा कि घर तक आओ तब तुम्हें वही देंगे। भाई नबियों को किसी जगह बुला के वही दी गई ना, ये जहनों में है कि नहीं है, या मैं सीधे सीधे एकदम टाप मार गया? ये अजमत सिर्फ पैगंबर की है, जहां पे पैगंबर होंगे वहीं जिब्रील जाएंगे। इतनी जरूरत नहीं कि ये कह दें कि वही लेके आए हो जरा वहां तक चलिए मैं जाके सुनाऊंगा, नहीं, जहां पे पैगंबर हैं, ये पैगंबर का एहतराम है अल्लाह की निगाह में, वही वही सुना दो। बिस्तर पे हो तो बिस्तर पे सुनाओ, घर के आंगन में हो तो आंगन में सुनाओ, मस्जिद में हो तो मस्जिद में सुनाओ, काबे में हो तो काबे में सुनाओ, रास्ते में हो तो रास्ते में सुनाओ। मेरे हबीब को जहमत ना दो शरीयत लेने के लिए, जहां वो होंगे वहां शरीयत जाएगी। यह है अजमत पैगंबर का। मेरे हबीब हमने तुम्हें पूरी शरीयत जहां तुम्हें वही भेज दी, लेकिन इस अता के लिए तुम्हें जहमत करना होगी। ये फरिश्तों के जरिए नहीं भेजूंगा, ये वो अतिया है मेरा जिससे तुम राजी हो जाओगे कि अगर ये चाहिए तो फिर तुम्हें मेराज का सफर तय करना पड़ेगा। और मेराज की मंजिलों में, मेराज में इसीलिए तो बुलाया चूंकि ये नूर अता करना था जिसके लिए पैगंबर से कहा था कि तू राजी हो जाएगा, इसके लिए तुझे जहमत करनी होगी मेरे हबीब। ये शरीयत नहीं कि जहां तू हुआ तेरे एहतराम में वहीं भेज दी, ये बहुत खास नूर है, बहुत अहम नूर है। अगर इसको लेना है तो तुझे मेरी बारगाह तक आना होगा और मेराज की मंजिलों तक का सफर कराया। अब फिर वो पूरा वाक्य आपका सुना हुआ होगा, चूंकि मुझे अपनी तमहीद की मंजिलें तय करना है। और पैगंबर अकरम, हालांकि ये जुमला मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, ये अजीब बात थी उस सफर की। मैं एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि जब जन्नत में दाखिल हुए, मुझे अंदाजा नहीं मेरे नौजवानों ने कितना वाकया इसका मेराज का सुना होगा, कितनी तारीख नहीं सुनी होगी। बहरहाल बहुत मुख्तसर लफ्जों में मैं बता दूं तो जिब्रील साथ साथ में है ना, अब बुलाने वाला कौन है? अल्लाह। किसके जरिए से बुलाया? जिब्रील को भेज के। मैं कल आया यहाँ पे, अगर मुझे लेने के लिए किसी को भेजते और जो मुझे लेने आया था, रिसीव करने आया था, वो मुझे दूर खड़ा होकर कहता कि जाइए वाला ना वो होटल है वहां से चाय लीजिए और पी लीजिए, तो क्या ये अखलाकी मुजाहरा था?
बताएं भाई, ये अच्छी बात होती मेरे पे गरा गुजरता ना थोड़ा सा कि मेजबानी के खिलाफ ही ये बात। रिसीव करने वाले की जिम्मेदारी के कम से कम वो मेरे लवाजमात का ख्याल रखें। अगर कोई चीज़ पेश करना है तो खुद से आगे बढ़ के देना मुझे कि हाँ ये चाय ले लीजिए। जन्नत के सैर कराते कराते एक मंजिल आई कि जिब्रील ठहर गए और पैगंबर अकरम भी रुके वहाँ पे, और रुकने के बाद जिब्रील से कहा कि जिब्रील मैंने पूरी जन्नत की सैर की, ये कौन सा मकाम है, ये जन्नत का कौन सा हिस्सा है कि यहाँ पहुँचने के बाद मेरे ऊपर एक जलाल तारी है। ये रिवायत के लफ्ज़ है, मैं अजमत पैगंबर मेरी निगाहों के सामने है इसलिए इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। मैं उस तर्जुमे में भी थोड़ी सी कटौती करके ही कहूँगा, जलाल तारी है मेरे ऊपर, ये पैगंबर फरमा रहे। क्या सरकार यहीं तक तो लाना था, सामने दरख्त देख रहे हैं, आगे बढ़िए उस दरख्त के पास जाइए, उस पे जो लगा हुआ सेब है उसको तनावुल फरमा लीजिए, वो अतिया है आपके लिए। अब उस दरख्त के करीब पैगंबर बढ़ते जाते हैं इलाही हुक्म के तहत, और रिवायत के लफ्ज ये हैं कि एक रोब, एक जलाल, एक हैबत तारी है पैगंबर अकरम पर। और जब उस तनावुल फरमा लिया जमीन पे आ गए और बीबी जहरा की विलादत हो गई तो फरमाया अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर। ये है वो जिसके लिए हमने कहा था कि इन करीब तुमको वो शय अता करेंगे कि जो जिससे तू राजी हो जाए। तो मैं कह ये रहा था कि ये अकेली फजीलत बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मखसूस है कि जिसके नूर ने सुलबों की मंजिलें तय नहीं की है। हर नबी का नूर, हर इमाम का नूर सुलबों की मंजिलें तय करके आया, लेकिन हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का नूर बराह रास सुलबे पैगंबर में आया, सुलबों की मंजिलें तय नहीं की। इस फजीलत की वारिस अकेली बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा। तो ए मामून, अगर 14 किस्मतों में तो एक जात के लिए तू ही इम्तियाज रख सकता है तो मुझे भी यह हक है कि इस जात के लिए कम अज कम एहतराम में इतना तो रखूं कि इस जात को सबसे मुस्तस्ना रखूं। इसी वजह से मुझे कोई नजर नहीं आता इस्मतों की फहरिस्त में जो एहतराम करता नजर ना आए। अब इंतहा आपके इमाम का कौल आपके सामने दोहरा के बात तमाम कर रहा हूं, आपके छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हम अल्लाह की तरफ से मखलूक खुदा पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा जहरा सलामुल्लाह अलैहा वो हमारे ऊपर हुज्जत है। बात समझ में आ रही है? अंदाजा हो रहा है अजमत बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कितनी अजीम खातून है। मासूम जबान फरमा रही है कि वो हमारे लिए हुज्जत है। बिला सबब पैगंबर अकरम ताजीम के लिए नहीं उठ रहे थे, फरीजा रिसालत अदा फरमा रहे थे। बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा का घर जैसी ये मस्जिद, इधर कोई हुजरा हो उसका एक दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा हो, यानी अगला कदम रखे तो मस्जिद हो। हर आंख ने, हर शख्स ने देखा था कि पैगंबर अकरम ने किस तरह से ताजीम फरमाई। आज वो दिन आया कि जहां पे पैगंबर अकरम बैठते थे, और हाँ मैं ये कहना भूल गया कि जिस वक्त बीबी आती थी रसूल अपनी जगह से उठ जाते थे, आगे बढ़ते थे, हाथों को बोसा देते थे, इस्तिश्माम फरमाते थे और लाके उस जगह बिठा दिया करते थे जहां पे खुद बैठे हुए हो।
अब आप अंदाज़ा लगाए कि उसके बाद पैगंबर अकरम खुद दूसरी जगह पे बैठते थे, या जितनी देर शहजादी बैठी रहती थी रसूल अकरम खड़े रहते थे। आज बीवी उसी जगह पे गई है, उसी बड़े दरबार में क्यों? वो पूरा हुजूम, और ये हुजूम क्यों हुआ, इस पे कभी गौर किया है आपने? बीबी जहरा अगर चाहती उस वक्त तो वो उस दरवाजे से जा सकती थी जिस दरवाजे जो दरवाजा मस्जिद में खुलता था, अगला कदम रखती तो मस्जिद में आ जाती। लेकिन बीबी उस दिन उस दरवाजे से मस्जिद में नहीं आई, बल्कि हुजरे का वो दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलता था, उस बाहर के दरवाजे से पूरा रास्ता तय करके तब आई कि मदीने का हर फर्द देख ले कि वो रसूल की बेटी जो कभी जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकली, आज वो रिदा ओढ़ के घर से निकल रही है। जो भी इस अंदाज में बीबी को निकलते हुए देखता था घबरा के सवाल करता था, ये रस्मित रसूल कहाँ जा रही है, हर निगाह ताकुब कर रही थी। इब्ने हशाम जैसा मुतासिब शख्स लिखता है कि जब बीबी जहरा अपने हुजरे से निकल के इस गली से होती हुई मस्जिद के दरवाजे से, उस दरवाजे से जिसमें सब लोग दाखिल होते, तो उस दरवाजे से दाखिल हुई तो सब ने ये पाया कि बीबी जहरा उस अंदाज में जा रही है जैसे रसूल जाया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल अजमतुल्लाह। बीबी जहरा इस दरवाजे से इसीलिए आई कि मदीने का हर फर्द देख ले कि आज बिनते रसूल दरबार में जा रही है, मस्जिद में जा रही है। सब हैरत में थे कि आज इस दरवाजे से रसूल की बेटी मस्जिद में गई है, कोई खास बात जरूर है। जब तक बीबी गई तो इतना एहतराम किसी ने न किया कि कोई अपनी जगह से खड़ा हो जाता। वो जगह बीबी की निगाहों के सामने थी जहां पे रसूल बैठा करते थे, और शहजादी को आते हुए देख के ताजीम के लिए उठ जाया करते थे। शहजादी ने उस जगह को देखा, अपने बाबा को याद किया, ए बाबा कल तक जब आप बैठते थे तो वहां से ताजीम के लिए उठ जाया करते थे, आज नाहल बैठा हुआ है, मुझे आते हुए देख रहा है, लेकिन कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज जालिमीन सयालमुल लजीना ज़लमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। اللهم بحق زهرا وابيها وبعلها وبنيها بار الہا تجھے واسطہ چہر دما سمین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو مومنین مفلس و نادار ہیں ان کی مفلس و ناداری کو ختم فرما۔ بار الہ دعاؤں میں دعا یہ ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔